एक और प्रेशर है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे अब तक। हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ लिक्विड की वजह से प्रेशर, बस। एक और प्रेशर है जिसको बोलते हैं एटमोस्फेयर की वजह से प्रेशर। अब आप ये कहो कि मैं समुंदर के बिल्कुल बेस पे जमीन पे जाके खड़ा हो गया, कई किलोमीटर नीचे चला गया, तो मैं एटमोस्फेयर से बच गया? बिल्कुल भी नहीं। एटमोस्फेयर समुंदर को दबा रहा है, समुंदर आपको दबा देगा, तो आपके ऊपर दो दो प्रेशर लगेंगे। समुंदर का प्रेशर तो लगेगा लगेगा, साथ में एटमोस्फेयर का प्रेशर भी लगेगा। तो एटमोस्फेयरिक प्रेशर आपको छोड़ने वाला नहीं, जहां मर्जी छुप जाओ, कमरे में बैठ जाओ, जहां मर्जी छुप जाओ, आपको एटमोस्फेयरिक प्रेशर तो मिलेगा ही मिलेगा, जहां एयर का इफेक्ट आएगा, एटमोस्फेयर जहां आएगा। अब कंफ्यूजन कहां होती है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को यूज कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखना और हो सके तो नोट भी कर लेना, ताकि अपने फॉर्मुला बुकलेट में याद रहे हम क्या कर रहे हैं। एयर ध्यान में माने होगा। तो फॉर एग्जांपल आप एक कंटेनर बनाएं, ठीक है, साथ साथ बना लें, कोई दिक्कत नहीं। एक कंटेनर बनाएं, इस कंटेनर में इमेजिन करें लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है। आप कोई पॉइंट बनाएं, मान लो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है, मान लो ये सी पॉइंट है, मान लो ये डी पॉइंट है, सच दैट इसके अंदर ये जो हाइट है सी पॉइंट की और डी पॉइंट की हाइट नोट कर लें, तो इनमें जो हाइट है, हाइट की वैल्यू यहाँ पर एच वन है, हाइट की वैल्यू यहाँ पर एच टू है, एच वन है और एच टू है, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिक्विड की डेंसिटी इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रो है, तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो बाय डिफॉल्ट इसमें रो है, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं हम काम। पहला क्वेश्चन, ए पॉइंट का प्रेशर क्या है? अब यहां पर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एटमोस्फेरिक प्रेशर। हमने अभी तक क्या स्टडी किया, सिर्फ लिक्विड का प्रेशर। अब ए पॉइंट तो पानी के बाहर है, पर एटमोस्फेयर में तो है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर तो यहां लगेगा ही लगेगा, तो यहां पर कौन सा प्रेशर है, सिर्फ और सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर, लिख लें, ठीक है। तो ए पॉइंट पर कहां कौन सा प्रेशर होगा, सिर्फ एटमोस्फेरिक, तो जीरो नहीं बोलना आपने, पानी के ऊपर भी प्रेशर हो। बोलो, ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट बोलो, बी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, क्या बी पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड का पार्ट है? नहीं है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो यहां पर किसका प्रेशर होगा, सिर्फ एटमोस्फेरिक का, वो हवा तो है ही ना, एटमोस्फेरिक तो है ही है, तो यहां पर भी क्या होगा, पी एटमोस्फेरिक, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है सी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। अब आप कहां जा चुके हो, पानी के नीचे, लिक्विड के नीचे, कितना नीचे, बाय डिस्टेंस ऑफ एच वन। तो आज हमने क्या किया था, अगर आप किसी लिक्विड के एच वन डिस्टेंस नीचे जाती हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा बाय एन अमाउंट ऑफ एच रो जी। तो सी पॉइंट माइनस बी पॉइंट का प्रेशर, क्योंकि हमने फॉर्मूला प्रेशर डिफरेंस किया था वो, तो सी पॉइंट माइनस बी पॉइंट का प्रेशर बोलो क्या होगा, एच वन रो जी। आप h1 डिस्टेंस आ गए तो c पॉइंट का प्रेशर b पॉइंट से बढ़ जाएगा, कितना, बाय h1 रो जी। लेकिन हमें पता है कि b पॉइंट का प्रेशर कौन सा है, एटमोस्फेरिक है, तो यहां से c पॉइंट का प्रेशर क्या जाएगा, p एटमोस्फेरिक प्लस h1 रो जी। ये रहा, तो न्यूमेरिकल में जब पूछेगा कि c पॉइंट का प्रेशर क्या है, एटमोस्फेरिक भी है और लिक्विड का प्रेशर भी लगेगा।
अच्छा, अब बात करते हैं डी पॉइंट की प्रेशर की। देखो जो डी पॉइंट का प्रेशर है वो क्या होगा, अब डी में और बी में, डी और बी की बात करते हैं, प्रेशर एट डी माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू कितना, एच टू रो जी। तो बी डी पॉइंट, बी पॉइंट से नीचे आ गया बैट डिस्टेंस ऑफ एच टू। तो आपको ये पता है कि बी का प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू एच टू रो जी। तो यहाँ से डी पॉइंट का प्रेशर क्या आ जाएगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच टू रो जी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें क्लियर है? तो कैसे प्रेशर निकलेंगे समझ में आ रहा है? और जब मैं ये पूछूंगा कि बताओ डी पॉइंट और सी पॉइंट में प्रेशर का डिफरेंस क्या है, मान लो मैंने ये पूछ लिया डी और सी में प्रेशर का डिफरेंस क्या है, चलो एक नया क्वेश्चन बना दिया, डी और सी में प्रेशर का डिफरेंस क्या है। दो तरीके हैं, पहला तरीका आप ये बताएं इनमें डिफरेंस ऑफ हाइट क्या है एच टू माइनस, तो सीधा बोलो डी पॉइंट का प्रेशर सी पॉइंट से बढ़ गया बाय एन अमाउंट ऑफ एच टू माइनस एच वन इंटू रो इंटू जी। क्या पॉइंट क्लियर है? अगर ऐसे नहीं करना तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो इसमें एटमोसफियर प्रेशर लिया ही नहीं सर ने, लिया है। आप ऐसे मत करें, चाहे आप बस मुझे ये बताएं कि डी का प्रेशर कितना है इतने, आप मुझे ये बताएं सी का प्रेशर कितना है इतने, दोनों को माइनस करें एटमोस्फेरिक में से, एटमोस्फेरिक प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कैंसल, तो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर दोनों में इंक्लूड किया गया था। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि क्या रूल इसमें चल रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर के साथ, कोई डाउट इसमें? तो एटमोस्फेरिक प्रेशर छुपा हुआ है, तो आप ये ना कहें कि पानी के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है इसमें, ठीक है? तो जैसे ये देखो, अब आपके इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, वो क्या कि जैसे मान लो ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच में हाइट का डिफरेंस क्या एच है, ए पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा कि बी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा? ए का, क्योंकि ए नीचे है तो पानी की हाइट ज़्यादा मिलेगी उसे, तो पानी का भार ज़्यादा है तो ए पॉइंट प्रेशर में बड़ा होगा बी से, तो प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, पी ए माइनस बी बी क्या होगा एच रो जी। कोई कहता है इसे एटमोसफेयर तो लिया ही नहीं, लिया है भाई लिया है, तुम ए पॉइंट का प्रेशर जब लोगे उसमें एटमोसफेयरिक आएगा, तुम बी का लोगे एटमोसफेयर आएगा, तुम डिफरेंस लोगे तो एटमोसफेयर और एटमोसफेयर प्रेशर क्या हो जाएगा कैंसिल हो गए, यही आंसर आएगा। वो मैंने करके दिखा दिया आपको, कैसे समझ में आ रहा है यहाँ तक? जैसे मैंने करके दिखाया कि मान लो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, बी पॉइंट बिल्कुल टॉप की सरफेस, तो यहाँ पर एटमोसफेयरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, तो ए पॉइंट का प्रेशर कैसे निकलेगा, पी ए माइनस पी बी इज एच रो जी। तो पी बी का मतलब क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो पी ए का मतलब क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच ओ जी। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे इसमें एप्लीकेशन लगानी है?